नमस्कार, आप देख रहे हैं देश खबर का एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं उसका की खबर। थाना उसका बाजार क्षेत्र के उसका कस्बे निवासी अनिल मोदनवाल की छोटी बहन प्रतिभा मोदनवाल पिछले चार दिनों पूजा करने निकली, फिर वापस नहीं आई। वहीं परिवार पूरी तरह परेशान रहा, काफी ढूंढने के बाद कोई सुराग नहीं मिला। संदेह को लेकर एनडीआरएफ टीम को सूचना कर नदी में काफी तलाश कराया गया, जिसकी शव आज कूड़ा नदी नौखानिया गांव के पास देखी गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दिया, मौके पर पहुंची उसका पुलिस ने शव को बरामद कर पंचनामा भराते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम उसका बाजार सिद्धार्थ नगर। नाम क्या आपका? अनंत लाल मुर्मू। ये जो मृतिका है वो आपकी कौन है? हमारी सिस्टर है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये कि घर में पूजा हुआ था, पूजा रात में दिन में हुआ, सुबह जो फूल बचा था उसको नदी में सरवा दिया जाता है। किस नदी में? पूरा नदी, हमारे घर के पीछे नदी है, तो उस नदी में लेके गई सरवाने, लेकिन सरवा के आई नहीं, दस मिनट हो गया। उसके बाद हम लोग ढूंढना चाहते तो ढूंढते ढूंढते नदी में भी ढूंढे और बाहर भी जगह ढूंढे, हो सकता हम लोग सोचे कहीं चली गई हो, लेकिन वहाँ भी नहीं ढूंढने को मिला। लेकिन चार दिन से नदी में हम लोग ढूंढते रहे, लाश आ गई। क्या नाम था उसका? कितनी उम्र थी? उम्र उसकी 28 साल लगे थी। नाम क्या था? प्रतिभा। शादीशुदा थी? नहीं, शादी नहीं। उसका दिमाग की कुछ तबीयत खराब था, दवा चल रहा था। तो लगातार कितने घंटे बाद खोज हुआ और कब मिला? 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद हम लोग खोजना चालू कर दिए, लेकिन हम लोग नदी के तरफ नहीं खोजे। हम सोचे हो सकता कहीं इधर उधर चले गए, इधर उधर भी ढूंढना चालू कर दिए। जब इधर उधर ढूंढने पे नहीं मिला तो फिर हम लोग नदी की तरफ ध्यान दिए, हो सकता है नदी में फूल चढ़ाने गई है, कहीं फिसल उसल के चली नहीं गई, क्योंकि वहाँ बहुत घास था और घास के साथ साथ फिसलन वाला कनई था। उसके बाद जब हम लोग ढूंढना चालू किए तो पता चला कि एक चप्पल है। उसके बाद हम लोग थाने को फोन किए, वहाँ से फिर यहाँ एनडीआरएफ वाले वो भी लोग इतना जांच किए, उस दिन नहीं मिला, दो दिन तक इंतजार किए नहीं मिला। हम लोग लगातार खोजते रहे। आज कब मिला? आज मिला लगभग 12 बजे। बारह एक बजे। तो क्या इसमें पोस्टमार्टम हो रही है?